हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप फ्रॉम यू यू आर वेरी वेल, हैप्पी एंड सेफ एट योर होम्स. एंड टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज राइमिंग वर्ड्स, एक्टिविटी नंबर टू. सो लेट्स स्टार्ट विद मी. Turn to the page number 24. Yes. Activity number 2. From lesson, rhyming words. Okay. So learn and sing this poem. I would not, could not, not in the rain, not in the dark, not in the rain, not in the car, not in the tree. I do not like them. Same you see, same you see. Not in the house, not in the box, not with the mouse, not with the fox. I will not eat them here or there. I do not like them anywhere. तो बच्चों, इसको पढ़ा आपने और पढ़कर क्या देखा? इसमें काफ़ी वर्ड्स ऐसे हैं जो राइमिंग वर्ड्स है. राइमिंग वर्ड्स मतलब जो, तो बच्चों इसमें ये जो पोयम है ये किसने लिखी है? वुड यू कुड यू इन द रेन, रिटन बाय डॉक्टर सस. ठीक है, तो बेटा इसमें क्या करना है, नीचे देखो एक्टिविटी में दिया है, राइट राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम ऑफ ईच ऑफ द वर्ड्स गिवन बिलो. मुझे लगता है कि आप लोगों को राइमिंग वर्ड्स नहीं समझ में आया है. एक बार मैं फिर से बताती हूँ बेटा. राइमिंग वर्ड में आप स्पेलिंग्स पे ये देखा करो कि लास्ट के कुछ लेटर सेम होते हैं. जो स्पेलिंग, जैसे अब यहाँ पर आपको देख रहे हो पेन, पी ए आई एन, पेन. ठीक है, तो यहाँ कोई ऐसी स्पेलिंग होगी जिसपे इसके लास्ट के पी ए आई एन मतलब ए आई एन, ऐसी कोई स्पेलिंग होगी जिसमें ए आई एन मैच होता हुआ नज़र आएगा. तो चलो भी देखते हैं. तो सबसे पहले तो हमें मिल गया रेन और उसके बाद मिल गया ट्रेन. तो पेन, रेन, ट्रेन एक ही जैसे बोला जाता है और इसकी स्पेलिंग में लास्ट में जो लेटर है सेम भी है. ठीक है, आपको समझ में आ गया? तो वही यहाँ पर फिल करना है. क्या पेन का राइमिंग वर्ड हमने पोयम से क्या क्या निकाला? ट्रेन और रेन. ठीक है, बस यही होता है राइमिंग वर्ड्स. कल बच्चे कुछ गलत कर रहे थे, इसलिए मैंने सोचा आज फिर से क्लैरिफाई कर दूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. उसके बाद बच्चों ये देखो फ्री, ये रिवीजन है और ये ऑलरेडी हो चुकी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपको ये ऑलरेडी आती होगी. फिर भी नहीं आती तो मैं फिर से समझा रही हूँ. ठीक है, फ्री, फ्री के देखो एफ आर डबल ई, फ्री. तो जिस तरीके से हम फ्री बोल रहे हैं ऐसे ही मिलता जुलता और भी दूसरा वर्ड कोई होगा. यहाँ पर देखो ट्री, सी, मिल गया. ये देखो ट्री और ये सी, आपको दो वर्ड्स यहाँ पे मिल गए जिसकी स्पेलिंग मिलती जुलती है. ट्री में देखो बिल्कुल आर डबल ई दोनों मैच हो रहा है और सी में डबल ई मैच हो रहा है, हो रहा है. तो ये हो गए राइमिंग वर्ड्स जिन्हें हम मिलते जुलते शब्द हैं कि नहीं ये चेक कर लेते हैं. तो फ्री, ट्री, सी, वाओ, एक जैसे ही तो बोल रहे हैं. बस यही तो सर राइमिंग वर्ड्स होते हैं, लिख डालो. ठीक है, अब इसमें आपको मैं देखना चाहूँगी आपको समझ में आया है कि नहीं. तो आपको ऑक्स और देयर के यहीं से फाइंड आउट करने हैं, आपकी ही पोयम से. ठीक है, आपकी पोयम से ही यहाँ पर आपको बॉक्स, ऑक्स और देयर फाइंड आउट करना है. और देखो जैसे राइमिंग वर्ड इधर देखो है हाउस एंड माउस, ये दोनों एक दूसरे के राइमिंग वर्ड है ना. वुड एंड कुड है ना, तो ये देखो एक ही जैसे वर्ड्स हैं. मेरा मतलब यही था सिर्फ समझाने का आपको कि राइमिंग वर्ड्स कैसे होते हैं जिनको बोलने में भी एक जैसे हों और लिखने में भी एक जैसे हों. ठीक है, और सबसे बड़ी बात तो ये होती है राइमिंग वर्ड्स की कि वो बोलने में आपको एक ही जैसे समझ में आते हों. ठीक है, बस उसमें आगे के लेटर्स चेंज हो जाते हैं और उसका मीनिंग भी बदल जाता है. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.
आप ये नीचे दिए हुए कुछ पॉइंट्स पढ़ सकते हैं, जैसे कि कुछ ऐसे राइमिंग वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग मैच नहीं होती मगर बोलने में उनका तरीका अलग होता है, जैसे ब्लू और शू, ब्लू स्लू, ब्लू शू, तो ये एक ही जैसा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ के जो साउंड्स होते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है, इन राइमिंग, लेकिन बोलने में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। मिलते जुलते शब्द को ध्यान में रख करके आपको ये एक्सरसाइज पूरी करनी है, मैंने आपको दो बता दिए, दो खुद से करके फिल करके ये एक्सरसाइज भेजनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड गुड बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू।